जैसा कि पहले एसटी ने हजारों करोड़ों का स्कैम किया है, बिल्कुल वैसे ही एक और नया स्कैम सामने आया है और इसको बोला जा रहा है कि हिमाचली बिटकॉइन है, हिमाचल का बिटकॉइन कुछ इस तरीके से जाना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पे जो फेमस नेम सामने आए हैं ये आए हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के यहाँ आसपास के जो लोग हैं जो कि अपनी तरफ से एक टॉप लीडर के नाम पर काम कर रहे थे, जैसे कि सुभाष शर्मा, सुखदेव ठाकुर, हेमराज ठाकुर और ऐसे कई सारे टॉप लीडर्स जो कि रेजिडेंट हैं हिमाचल प्रदेश के। तो कुछ लोगों को मैं शायद पर्सनली भी जानता हूँ जिनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है इसमें, करोड़ों का रुपया उन्होंने इसमें लगा दिया, 200-250 करोड़ लगा दिया। जैसे कि कहा जा रहा है कि 200 करोड़ तो हमीरपुर से आया था, 100 करोड़ ऊना से आया था, 200 से 250 करोड़ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया था। तो आप सोचिए कितने 100 करोड़ का यहाँ पे स्कैम हुआ है। तो धर्मशाला, कांगड़ा या आसपास के जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक्चुअल में यहाँ बात सिर्फ इनकी नहीं है बल्कि इसी के साथ अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ के भी कई सारे लोग इसमें फंसे हैं। लेकिन आपको शायद पता होगा सिर्फ कॉर्व्यू कॉइन का या डीजीटी कॉइन का, या फिर अगर आप नहीं जानते तो इसमें कम से कम 4-5 ऐसे कॉइन्स आते हैं जो इसी एक स्कैम में इन्वॉल्व हैं जिसमें आरओआई की बात करी जा रही थी। अब जो न्यूज़ सामने आई उसमें सारे प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मैं आपको सारे के सारे कॉइन्स का बताऊंगा एक के बाद एक, एक कौन सा कॉइन लेकर आते रहे, क्योंकि आज भी अगर हम कुछ कॉइन्स देखते तो अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम उनकी वेबसाइट्स देखें तो वेबसाइट्स बंद हो चुकी हैं। जैसे कि corvio.io, इसी के साथ अगर हम voskro.com खोलते हैं, corvio p2p.live या फिर swapdgttoken.com, तो ये सारी की सारी साइट्स बंद हो चुकी हैं क्योंकि अब स्कैम सामने आ चुके हैं। तो पूरी डिटेल आपको दूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, शायद 8-10 मिनट का होने वाला है, लेकिन डिटेल आपको पूरी पहुंच जाएगी। अगर आपने भी इन कॉइन्स में लगाया है पैसा तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्ट ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं। तो हमेशा की तरह शुरुआत होती है एक ओरिजिनल प्रोजेक्ट से, जैसे कि आप, मैंने यहां पे सर्च किया बिटपेड टोकन बीटीपी, ये कि एक ओरिजिनल टोकन है लेकिन इसके नाम पे बीटीपीपी टोकन बनाया गया जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन हालांकि इस पे भी मुझे डाउट हो रहा है कि ये ऑफिशियल हो के भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है बीटीपी। बीटीपेड का यहाँ पे एक ट्विटर हैंडल भी है लेकिन फिर भी मैं डाउट करता हूँ कि ये भी सही नहीं है। लेकिन अभी हम चलते हैं यहाँ पे जो न्यूज़ आई है, न्यूज़ के बाद मैं आपको सारे पूरी कहानी बताऊंगा, फिर आपको टेलीग्राम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ इसी प्रोजेक्ट के बारे में। तो डीजीपी संजय कुंडू के नाम से हैं जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी के स्कैम को पकड़ा है, जितने भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उन सभी को पकड़ा है। इसी के साथ मंडी डिस्ट्रिक्ट से हेमराज और सुखदेव, इन दोनों को पकड़ा गया, और गिर सोमनाथ जो कि गुजरात से हैं उनको भी पकड़ा गया। तो इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया, एसआईटी के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है। और जैसा आपको पहले बताया कि यहाँ पे कई 100 करोड़ इन्वॉल्व थे, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि एक असेंबली में इशू रेज किया गया था मॉनसून सेशन में, जो देहरा के एमएलए है होशियार सिंह, उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का स्कैम हुआ है, जैसे कि 200 करोड़ हमीरपुर, 100 करोड़ ऊना से, 200-250 करोड़ का कांगड़ा के जिला से। तो जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने कंफर्म किया कि वो एसआईटी के साथ ये मैटर डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर क्या है कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। 26 सितंबर को एसआईटी जो टीम है उनके हेड हैं अभिषेक डूलर, इन्हीं के साथ डीआईजी हैं जो नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला से हैं, इसी के साथ 13 और मेंबर्स, इन सभी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया इस क्रिप्टो स्कैम का और पूरा प्रोफेशनल तरीके से यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया गया। और एफआईआर्स कई सारे इन्वॉल्व हैं लेकिन इनमें से एक एफआईआर है 120/2013 जो कि सितंबर 24 को रजिस्टर करी गई थी, और ये एफआईआर रजिस्टर हुई है पालमपुर पुलिस स्टेशन में जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें कुछ नाम सामने हैं जैसे कि सुभाष शर्मा, सुखदेव ठाकुर, हेमराज ठाकुर और भी कई ऐसे नाम। तो इनका नाम सामने आया और इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा डीपली करेगी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्योंकि जिन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर करी थी उनका मानना था कि उनके खुद का जो लॉस है वो 18 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, आज 2023 चल रहे हैं लेकिन ये शुरुआत जो हुई है इस फ्रॉड स्कीम की ये 2018-19 में हुई थी, यानी कि क्रिप्टो के अनबैन होने से भी पहले से ये चीज़ चल रही है। यही कारण है कि अभी 10 से भी ज़्यादा ऐसे केस सामने आए हैं, 50 से भी ज़्यादा ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जिनकी ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है। तो अब बात करते हैं कि कॉइन कौन सा है। तो कॉइन इसमें जो इन्वॉल्व हुआ है वो है फेक क्रिप्टोकरेंसी कॉर्व्यू के नाम से, कॉर्व्यू कॉइन, KORVIO, शायद कोई आपको स्कॉर्पियो भी बोल रहा होगा लेकिन ये कॉर्व्यू कॉइन है, जिसके ऊपर प्रॉमिस किया गया था कि हाई रिटर्न्स देंगे, ऐसे बोल के कुछ अच्छे प्रॉफिट्स का बोल के इन्होंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन यहाँ पे कहानी ऐसे चलती रही कि धीरे धीरे इन्होंने कहा कि कॉइन के बाद कॉइन एक और लेकर आते रहे, डीजीटी कॉइन आया, फिर बीटीपीपी कॉइन आया जिसको इन्होंने टोकन का नाम दिया कि ये टोकन है,
हालांकि सच्चाई ये थी कि सारे के सारे ही टोकन थे, ये इनमें से कॉइन कोई भी नहीं था क्योंकि सारे के सारे किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर थे। तो जैसे ही थ्रेट्स मिलने शुरू हुए, जैसे ही इन्वेस्टर्स के द्वारा रिफंड मांगना शुरू किया जाने लगा, तो इन्होंने अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड्स डिलीट किए, जितनी भी वेबसाइट हैं वो सारी की सारी डिलीट करी। आप सामने देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई थी, 3-4 वेबसाइट सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। इससे और क्लैरिटी मिल गई कि ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, बहुत बड़ा क्राइम इन्होंने ऑलरेडी कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें हुई है। तो कुछ इस तरीके से ये स्कैम चल रहा था। अभी मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ, वो अगेन 2-3 मिनट की होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप यहाँ पे सर्च करोगे अगर कॉर्वियो, तो इसमें आपको वॉस्क्रो भी दिखेगा, डीजीटी ऑफिशियल भी दिखेगा, यहाँ पे कुछ आपको फोटोज़ दिखेंगी जो कि फरवरी 2022 की हैं। इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी मीटिंग्स करी जिसमें हाइप नेक्स्ट का भी नाम लिया, हाइप नेक्स्ट, बिटपेड, डीजीटी कम्युनिटी, इन सभी को इकट्ठा जोड़ा गया, कहा गया कि ये सारे एक दूसरे का प्रोजेक्ट है, एक दूसरे की सपोर्ट है। तो डीजीटी के नाम से इन्होंने बहुत बड़ी कम्युनिटी इकट्ठी करी। आप देख सकते हैं कुछ टॉप लीडर्स बने, क्योंकि लीडर्स को भी नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट किस तरीके का है, आगे चल के कितना लंबा चलने वाला है या फिर बंद हो जाएगा। तो इन्होंने वॉस्क्रो बना दिया, वॉस्क्रो से हाइप नेक्स्ट बना दिया, क्योंकि ये ट्रांजिशन जो था लगातार चलता ही रहा। पहले वॉस्क्रो था, फिर उसको हाइप नेक्स्ट में जोड़ा गया, और फिर उसमें ROI शुरू किया गया। और ऐसा बिल्कुल सेम आप देख पा रहे होंगे, STA का भी ऐसे चल रहा है। STA का इन्होंने SNV बना दिया कि अलग अलग कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, ये बोल के कि आपको वहीं पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल जाएगा, उसको आप दोबारा से इन्वेस्ट कर दो, उसके ऊपर आपको ROI मिल जाएगा। और इसी के साथ इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे एयरड्रॉप्स भी प्रॉमिस किए कि आप माइनिंग करो, आपको एयरड्रॉप्स दिए जाएंगे। तो कॉर्वियो का एक और इन्होंने स्कैम ऑलमोस्ट शुरू कर दिया था कि कॉर्वियो का P2P, यानी कि आप सीधा लेन देन कर सकते हो कॉर्वियो कॉइन का। अब यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया कॉर्वियो का, अब हम चलते हैं मेन कहानी के ऊपर कि शुरुआत कहाँ से, ये मैं शॉर्टेस्ट रखने की कोशिश करूँगा। तो इन्होंने कॉर्वियो कॉइन शुरू किया 2018-19 में हिमाचल प्रदेश में, काफ़ी लोकल जो लोग थे उनको इस MLM स्कीम में फंसाया, जहाँ बोला जा रहा था कि $100 से लेकर $10,000 के पैकेजेस से आप इन्वेस्ट करो, यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। और बताया गया कि कॉर्वियो कॉइन की लिमिटेड कैपेसिटी है, क्वांटिटी है सिर्फ 200,000, यानी कि 2,00,000 की है, एक कॉइन की वैल्यू 10 सेंट होने वाली है। और बोला कि ये कॉइन जो है नया लॉन्च होगा और लिस्ट कर दिया जाएगा 2022 में, और 2025 में यही कॉइन बिटकॉइन को बीट करने वाला है। और इन्होंने क्या है कि फाउंडर का नाम मिस्टर रॉबर्ट ऐसे कोई भी नाम रख दिया। और ऑब्वियसली बात है, मीटिंग्स में यही बोला जाता है कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपकी टीम बड़ी होगी और इसमें क्या है कि आपका फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लाओ। लेकिन उस वक्त क्या चल रहा था कि 2020-21 में RBI के द्वारा बात करी जा रही थी कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या सोचा, क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है तो डीजीटी टोकन शुरू कर देते हैं। तो कॉर्वियो से एकदम से बिल्कुल नया नाम इन्होंने निकाल दिया डीजीटी टोकन के नाम से। 15 अगस्त 2021 को इन्होंने नया टोकन लॉन्च कर दिया, कहा कि टोकन बैन नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। तो फिर जितना मनी था जो कि कॉर्वियो में इन्वेस्टेड था, इन्होंने कहा कि वो आपको तभी मिलेगा अगर आप डीजीटी टोकन में इन्वेस्ट करोगे। अगेन वहाँ पे वही पैकेजेस रख दिए, 100 से लेकर $10,000, और 4%, 4.5%, 5.5%, इतना बताने के इन्होंने शुरू कर दिया कितना आपको रिटर्न मिलता रहेगा जब तक आपका अमाउंट डबल नहीं हो जाता। और इसी के साथ इन्होंने एक और झूठ बोला कि इसकी सप्लाई को 6.5 लाख तक पहुँचाया जाएगा और एक डीजीटी कॉइन की वैल्यू स्टार्टिंग में ही $15 रहने वाली है। हालांकि सच्चाई ये थी कि BSC स्कैन के ऊपर इसकी वैल्यू सिर्फ $0 के आसपास थी। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर वही फेक प्रॉमिसेस चालू किए। इन्होंने कहा कि टोकन 2021-22 तक $100 तक पहुंचेगा, फिर $300 तक पहुंचेगा जैसे ही बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा। हालांकि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट करने के लिए कॉइन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए, या फिर टोकन में या फिर प्रोजेक्ट में दम होना चाहिए। फिर फाइनली इन्होंने जो टोकन था डीजीटी टोकन, इसको पैंकेज स्वैप के ऊपर लिस्ट किया $5 के ऊपर। हालांकि इन्होंने कहा थे $15 पे ये करने वाले हैं, तो बहुत लोगों को एकदम से झटका लगा कि हम तो सोच रहे थे $15 के आसपास है लेकिन $5 पे हुआ। फिर उसके बाद लगातार इन्होंने खुद ही रग पुल किया और उसकी वैल्यू 0.00009 तक पहुंच गई, यानी कि $15 कहां और कहां, एक सेंट भी इसकी वैल्यू नहीं थी, काफ़ी सारी जीरोस थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रग पुल हुआ, काफ़ी सारे लोगों का पैसा इसमें डूब गया। फिर इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया 3 अप्रैल को, कि बिटपेड के नाम से, कि ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं हाइप नेक्स्ट कम्युनिटी के साथ। और इन्होंने कहा कि इसकी जो वैल्यू है और भी ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, लेकिन इसकी वैल्यू $18 से कहाँ पहुँच गई, लगभग 10-50-75 सेंट के आसपास पहुँच गई। तो इस तरीके से इन्होंने अपना हिमाचली बिटकॉइन के नाम से बहुत फेमस किया। ये स्कैम लगातार चलता आ रहा था, जो कम्युनिटी पहले इन्वॉल्व थी उसी कम्युनिटी को ये लगातार इन्वॉल्व करते आए और पैसा लूटते आए।
आप देख सकते हैं कहानी कहाँ से कॉर्वियो से शुरू हुई, फिर डीजीटी, बिटपेड, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसमें आए। और मैं आपको यहाँ पे वॉस्क्रो भी दिखा रहा था तो ये भी इसी में इन्वॉल्व है, कॉर्वियो V2 भी दिखा रहा था, डीजीटी टोकन का सर्व दिखा रहा था, तो काफ़ी सारी इन्होंने वेबसाइट्स फेक बनाई लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट चला नहीं। तो इस तरीके से बहुत बड़ा स्कैम हुआ जिसमें 500-700 करोड़ तो इन्होंने लूट ही लिया। अब वैसे तो कल्प्रिट्स जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, होपफुली जिनका पैसा लगा था उनको शायद वापस भी मिलेगा। एसटीए की इस बार मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।